दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल मूल के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्हें भारत में साइकिल सूप वाले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने कड़ी मेहनत से काफ़ी उच्च मुकाम हासिल किया, तो दोस्तों वीडियो ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत में साइकिल सूप वाले के नाम से प्रसिद्ध डोलराज गैरे के बारे में। डोलराज गैरे भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। डोलराज जब 11 वर्ष के थे तब उनका पूरा परिवार नेपाल से भारत शिफ्ट हो गया। भारत आकर वे लोग दिल्ली में बस गए। डोलराज गैरे की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और कई प्रकार के छोटे मोटे काम करने लगे, जैसे दुकान में, होटल में, और इसी तरह उनकी लाइफ आगे चल रही थी। सन 1980 में वह भोपाल आ गए और यहाँ वो कई दिनों तक भटकते रहे। भोपाल में भी वह पहले तो छोटी मोटी नौकरियां करते रहे और इसके बाद वह मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गए। परंतु अपनी इस नौकरी से भी वह संतुष्ट नहीं थे। आंखों में बड़े सपने लेकर भोपाल पहुंचे। डोलराज गैरे ने अपनी सरकारी नौकरी को भी छोड़ दी, क्योंकि वह कुछ अलग करना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने मित्तल एग्रो नामक एक कंपनी में काम किया। इस नौकरी को भी इन्होंने जल्दी ही छोड़ दिया, जिसके बाद इन्होंने एमपी टूरिज्म में लगभग 10 साल तक काम किया। जॉब के बाद बचे हुए समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने यह निर्णय किया कि वह साइकिल से सूप बेचेंगे। 2003 से इन्होंने यह काम चालू किया, जिसमें वह शॉप टू शॉप और डोर टू डोर जाकर सूप बेचते थे। डोलराज गैरे को तरह तरह का स्वादिष्ट खाना बनाने का शौक था। अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए वह सूप बेचते थे और लोगों ने भी इनका सूप काफ़ी पसंद किया। सूप के साथ लोगों ने कुछ खाने की भी मांग की, तब उन्होंने सूप के साथ सैंडविच बनाना भी स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में वह भोपाल के अरेरा कॉलोनी के 10 नंबर मार्केट में साइकिल लेकर खड़े रहते थे और उनके साइकिल पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था साइकिल सूप वाला। साथ में वह शेफ़ की टोपी भी लगाते थे, जिसके कारण वह सबसे अलग भी नज़र आते थे। शुरुआत में लोगों ने इनका सूप पीने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसके बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी और अपना यह काम जारी रखा। धीरे धीरे लोग इनके सूप को पसंद करने लगे और यह सूप काफ़ी सस्ता भी था, जिसकी शुरुआती कीमत केवल 5 रुपये कप थी। काम बढ़ने के साथ साथ डोलराज गैरे का आत्मविश्वास भी बढ़ गया और इस काम से वो अच्छा कमाने भी लगे। कुछ ही सालों में साइकिल सूप वाला के नाम से प्रसिद्ध डोलराज गैरे ने उसी एरिया में, मतलब 10 नंबर मार्केट में, बैंक से लोन लेकर अपनी एक दुकान खरीद ली। सूप और सैंडविच के अलावा उन्होंने बर्गर, बिरयानी और फ्रूट जूस भी बेचना चालू किया। उन्होंने अपनी दुकान का नाम सागर गैरे फास्ट फूड कॉर्नर रखा, जो कि उनके पिताजी के नाम पर था। कुछ सालों तक उन्होंने बहुत मेहनत की और अपनी दुकान पर हर चीज़ खुद बनाने लगे। धीरे धीरे उनकी कमाई बहुत बढ़ गई और उन्होंने भोपाल में ही माता मंदिर, ईदगाह हिल्स, होशंगाबाद रोड, जेल रोड और भी बहुत सी जगह अपनी फ्रेंचाइजी खोल ली। आज के समय में सागर गैरे के लगभग 14 आउटलेट्स हैं।
जिनमें से दो आउटलेट्स इंदौर शहर में हैं। आज के समय में लोग इनके खाने के आदि हो चुके हैं। दुकान के बाहर टोकन लेकर लोगों की एक लंबी लाइन लगी रहती है। इसके साथ 150 से भी ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। डोलराज जी सबको काम सिखाते हैं और साथ में सभी को प्रोत्साहित भी करते हैं कि वो लोग काम सीखकर आगे बढ़ें और अपना कुछ काम करें। डोलराज गैरे जी का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सभी आउटलेट्स पर एक ही स्वादिष्ट खाना मिलता है, भले ही कुक अलग अलग हो, क्योंकि उनके आउटलेट पर मसालों की रेसिपी खुद डोलराज गैरे की ही यूज़ होती है। उनका सपना है कि पूरे इंडिया में उनके आउटलेट्स हों। उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया। आज उनके बेटे भी उनके काम में उनकी सहायता करते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी नेपाली मूल के डोलराज गैरे जी की कहानी, जिन्होंने भारत में काफ़ी सफलताएं हासिल की और आज भी उनके नाम पे उनकी कंपनी, उनकी फ्रेंचाइजी पूरी अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पल भी है दोस्तों कि किस प्रकार नेपाल के लोग भी इंडिया में अच्छी तरीके से प्रयास रहते हैं और देश के लिए काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की जो फ्रेंडशिप है भारत और नेपाल के बीच में बनी रहनी चाहिए, और ऐसी कहानी मैं और आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपको इस विषय में मुझसे और कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जा करके पूछ सकते हैं, वहाँ फॉलो भी कर लीजिएगा, वहाँ मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलूँगा ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।